कैसे हैं आप सब लोग? आप ठीक है? मैं हूं आपका होस्ट इस्माइल यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। सो आज मैं एनालिसिस दूंगा बिटवीन द सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। जाहिर बात है साउथ अफ्रीका हैव बिकम द चोकर्स एंड दे हैव प्रूव टू बी द चोकर्स, बल्कि सॉरी चोकर्स नहीं जोकर्स, क्योंकि बात दरअसल ये है कि जोकर्स इसलिए साबित हुए कि इतना बड़ा प्लंडर एक सेमीफाइनल में बना दे जब पता है कि थोड़ी देर पहले बारिश वगैरह हुई थी कोलकाता में। मुझे लगता है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, ये बॉलिंग करता है साउथ अफ्रीका तो एटलीस्ट मैं ये कहता कि ऑस्ट्रेलिया के भी, जैसे आप इस पिच में देखें बॉल ज़रा टर्न हो रहा था। इवन अब नॉर्मली मैं कुछ मैचेस से ये देख रहा था कि साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग करती थी तो एटलीस्ट वो 300 से ऊपर रन्स करती थी, लेकिन ये पिच कंडीशन बहुत डिफरेंट थी। तो मैं समझता हूँ टेम्बा बुवुमा एज ए कैप्टन उसने बहुत गलत फैसला किया कि टॉस जीत के बैटिंग करे। जब उसने टॉस जीत के बैटिंग किया तो साउथ अफ्रीका की 24 पे 4 आउट हो गए थे, फिर तो जाहिर बात है कुछ होना ही नहीं था। लेकिन यार डेविड मिलर जो इनिंग खेला बड़ी क्लास की इनिंग खेला है। आप ये देखें जरा कि अगर डेविड मिलर वो इनिंग ना खेलता तो आई डोंट थिंक 200 रन बन पाते, क्योंकि डेविड मिलर का पिच पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, उसका 100 बहुत जरूरी था। अगर वो 100 ना कर पाता ये इतने रन नहीं होने थे। मैं समझता ये हूँ, मैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप के लिए बड़ा बुरा फील करता हूँ, वो इसलिए बुरा फील करता हूँ क्योंकि बात ये कि अगर चलेगा साउथ अफ्रीका बैटिंग भी कर रही थी, अगर टॉस गलत भी जीता, अगर 240-250 रन भी कर लेते इस पिच के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए उतने रन चेज करना मुश्किल हो जाने थे जैसे उनके साथ कल के मैच में होता सेकेंड इनिंग्स में। वो बस अनफॉर्चुनेट था उतने रन नहीं थे। साउथ अफ्रीका ने फाइट बुरी नहीं की थी, आप देखें शमसी और जैसे महाराज ने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा रन बनाते हैं तो मैं समझता ऑस्ट्रेलिया ज़रूर अंडर प्रेशर आती, लेकिन हार्ड लक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जीत गई फाइनल में पहुँच गई। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फाइनल में पहुंच गई है, और मैं समझता था, मैं खुद चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचे, क्योंकि बात यह है कि वो 5-time वर्ल्ड कप चैंपियन है। अब वो अपना 8वां फाइनल खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे साउथ अफ्रीकन टीम पे एक चीज़ का हमेशा दुख रहा है। देखिए वो इतने साल से मतलब इन जैसे ICC इवेंट्स में इतने ज़बरदस्त आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हैं, इतना ज़बरदस्त खेलते हैं, मतलब हर टीम को उड़ा के रख देते हैं, बच्चा बना देते हैं हर टीम को, किसी टीम को स्टिफ स्निफ चांस भी नहीं देते साउथ अफ्रीका। बट स्टिल आई डोंट नो ये क्या रीज़न है कि वो सेमीफाइनल में जाके चोक कर जाते हैं, ये क्या रीज़न है? क्योंकि मैं समझता हूँ ये साउथ अफ्रीका और ये न्यूजीलैंड, ये दो टीमों को फाइनल खेलना चाहिए था, और मैं समझता था कि साउथ अफ्रीका आफ्टर इंडिया बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। आप देखिए उनके ओपनर से लेके आप उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन देख लें, हर प्लेयर रन स्कोर कर रहा है। आप देख लें बॉलर्स को देख लें, रबाडा विकेट ले रहा है, वो कूट्स जो फास्ट बॉलर है बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, वो इतना ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, समझ से मेरी समझ से बाहर है कि उन ये क्यों नहीं, मतलब ये फाइनल तक क्यों नहीं मज़ा चखाने का उनको मौका मिला। व्हाई हैवंट दे टेस्टेड द फाइनल? ये और न्यूजीलैंड बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं दोनों, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि साउथ अफ्रीका की, कि आप देखें इस वर्ल्ड कप में बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि साउथ अफ्रीका का ये वर्ल्ड कप जो है ना साउथ अफ्रीका का होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एज ऑलवेज हिस्ट्री ने वही जवाब दिया, हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड and Australia has gone to the final। अब Australia India के अगेंस्ट मैच खेलेगी अहमदाबाद में, देखता है पर उससे पता चल जाता है इस फाइनल से। Do you think can Australia spoil the party for India? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छा मैच होगा तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया
इंडिया को हरा पाएगा। हाँ, अगर रोहित शर्मा या शुभमन गिल, या अगर आपने इंडिया को टॉप थ्री को जल्दी आउट कर लिया, फिर मैं समझता हूँ फिर आप इंडिया को अंडर प्रेशर डाल सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा पाएगी। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।